सेवन इयर्स बिफोर ट्रैक पूरी अलग ही लाइन पे थी, अलग यानी मस्ती मौज के लाइन में, गलत ट्रैक नहीं थी। धर्म से कोई लेना देना नहीं और घर पे भी इतना नहीं, रात्रि भोजन और पूजा, बस ये दो चीज़ होती थी। किसी की प्रेरणा से, किसी के फोर्स करने से आराधना भवन की सीढ़ियाँ चढ़ी। फर्स्ट प्रवचन पूज्य गुणेश्वरी माई साहब का। आजकल के यंगस्टर कैसे है ना, जब चीज़ लॉजिक के साथ समझाई जाती है ना, तो वो अपने आप अपना खुद का प्रॉफिट एंड लॉस टैली करके वो अपना वे क्लियर कर देते हैं। हम भी वैसे ही थे, बोले वैराग्य की बातें सब समझ में नहीं आती है, बट अपना प्रॉफिट एंड लॉस तो समझ में आता है ना हमको, कि भाई कहाँ पे प्रॉफिट और कहाँ पे लॉस है। उनके प्रवचन से भाव नहीं हुए, मतलब भाव यानी दीक्षा के भाव नहीं हुए, बट एक मेंटालिटी क्लियर हो चुकी थी कि क्या योग्य है और तेरे लिए क्या अयोग्य है। टाइम वेस्ट करना मोबाइल के पीछे, टीवी के पीछे, पंचायत के पीछे, ये तेरे लिए अयोग्य है। प्रभु की वाणी को जानना, यथाशक्ति आचरण में लाना, प्रभु की देश वृद्धि यथाशक्ति को पालना, ये तेरे लिए योग्य है। जब इस चीज की क्लियरिटी हुई, वहां से शुरुआत हुई, देशवृत्ति अच्छी लगी। सामायिक प्रतिकमन, जो साल का एक प्रतिकमन, कब का वो भी कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए करना पड़ता था, उसने सही समझ में आ, किसी के बोलने पे मैंने आज तक कुछ भी नहीं किया है। मतलब ऐसा स्वभाव है ना, जब किसी का बोलने का कुछ असर नहीं होता है, जब तक वो चीज़ मुझे ना लगे ना कि करने योग्य, तब तक मैं करती नहीं हूँ। प्रवचन सुन के पता नहीं क्या हुआ, सामायिक लेनी सीखी। सामायिक लेनी तो भी सूत्र तो सीखने पड़ेंगे, तो पढ़ने नहीं जाती थी, घर पे बैठ के एक एक लाइन, दो दो लाइन पढ़ने के पहले रुचि नहीं। मेन मेरी माइनस पॉइंट ये था कि पढ़ने की रुचि नहीं थी, पढ़ने की रुचि नहीं तो प्रॉपर हिंदी भी नहीं आती थी मेरे को। फिर भी पहले जो वाटिका में किए हुए सूत्र थे वो किए, धीरे धीरे सामायिक लेनी आई, फिर प्रतिकरण का रस चढ़ा। साहिब के प्रवचन में सुना कि हम पूरे दिन इतने पाप करते हैं, क्या रे आप पाप में जीवन छोड़ी, क्या रे हूँ वैरागी बनूँ, क्या रे हूँ संयमी बनूँ, गाते बहुत हो। तो इस चीज़ को आश्रम लाने का आपकी इच्छा नहीं होती है, पाप तो होते ही है। आप बोलते ना साहिब क्या करो, पाप तो वी है वी है वी है, तो परमात्मा ने इतना मस्त इसके लिए सोल्यूशन दिया है कि आप प्रतिकमन कर लो। प्रतिकमन में क्या होता है, दिन के छोटे बड़े जितने भी पाप है उसका क्लियर आउट हो जाता है। तो उस आशय से मैंने चालू किया प्रतिकमन, और प्रतिकमन ऐसा जीवन में आया ना कि उस दिन से लेके आज तक बिना कारण के मैंने प्रतिकमन छोड़ा नहीं है। कुछ भी हो जाए, रात के 11:30 बज जाए, फिर भी प्रतिकमन तो करना ही करना। मतलब एक पाप का डर होना चाहिए ना, आज क्या हो गया बताएं, हर चीज़ में वो जो निष्ठुरता होती है ना, वो इतनी भयंकर हो चुकी है ना, इतना भयंकर माइंड पे अटैक किया है कि हमको पाप का डर नहीं लगता है, हम इजीली कर लेते हैं। का वेला बांडलू खाइन पू, का वेला अभक्ष्य खाइन कापू वे, कुछ नहीं वेला, मतलब कापू वही हम किस निष्ठुरता के साथ बोलते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई कीड़ी चल रही है और वो कुर्सी ले भी लेना तो डर लगता है कि मर जाएगी भाई। मतलब वो कितनी कोमलता थी, मरे तो मरे मारू का, मतलब वो क्या, मतलब मान्यता पे कितना अटैक हो रहा है ये चीज़, मतलब बाह्य चीज़ों से कितना अटैक मान्यता पे हो रहा है, वो चीज़ समझने जैसी है। मेरा क्लियरेंस हुआ, फिर उस दिन से मैंने प्रतिकमन चालू किए, दो टाइम के धीरे धीरे आ रहा था। पापा को ये बात फर्स्ट ईयर में पता चल चुकी थी कि भाई ये इसका माइंड डाइवर्ट हो चुका है। मुझे भी अभी तक इतना अश्योरेंस नहीं था कि भाई मैं ले पाऊंगी कर पाऊंगी, बिकॉज ये चीज़ बहुत बड़ी है, हम ऐसे कैसे डिसाइड करते हैं। मैं कभी महात्मा के पास रही नहीं, मैंने कभी कोई पौषध नहीं किए, मैंने कोई सामायिक नहीं की, मुझे किसी, हमारा कोई फैमिली गुरु भगवंत भी नहीं है, क्लियर कर देती हूँ, कोई फैमिली गुरु भगवंत भी नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो इस मार्ग का डिसीजन मेरे इतना ईजी नहीं था। बट पापा को कहीं ना कहीं श्योर हो चुका था कि भाई इसको भाव हो चुके हैं। प्रवचन रोज जाना पहले की हैबिट थी, कॉलेज कंप्लीट हो चुकी थी, तो कॉलेज के बाद नॉर्मली उठने की टाइम 11 बजे की होती थी, वो भी मम्मी के डांटने पे 11 बजे उठना, उठ के धीरे धीरे दूध पीना, आधे घंटे में दूध पताना, आधे घंटे में नाश्ता पताना, जब तक नीचे का जो देरा सर है वो मंगलिक हो जाता था, वॉन्टेडली कर दी थी, हाँ ऐसा नहीं कि वो कौन नीचे जाए, तो घर पे जो परमात्मा थे उसको हाथ जोड़, मतलब उसको दर्शन कर लेती थी। मम्मी बोलती थी, मम्मी कहती तो डोकरी हुई पी है, नीचे नहीं जाए थी, मतलब उनका डांटना भी था पर तो भी मतलब कोई सुधार नहीं था। पर जब साहेब का सुना, मतलब साहेब के प्रवचन में प्रभु की प्रभुता को सुना, जब बोलते ज्ञान आता है ना तो वृत्ति अपने आप लेकर आता है, उसको लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वृत्ति यानी पचखान। तो स्पेशली साहेब के प्रवचन सुनने के लिए मैं 6:00 उठती थी, 6:00 उठकर अपना अपने हिस्से का जो काम होता है उसको कंप्लीट करके एग्जैक्ट 9:00 प्रवचन हॉल में टच होने का। किसी भी हालत में, कोई भी फेस्ट हो, कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, साहेब का प्रवचन मिस नहीं करने का। दिन में 2 बार हो तो दिन में 2 बार जाने का, मतलब
आप सोचो कि मैं जो यहाँ पे पहुंची हूँ ना, उसके मूल कारण में कुछ है ना, तो जिनवाणी, ये जो जिनवाणी ने जितना असर किया है ना मुझ पर, ये जो 7 ईयर्स गए है ना, जो स्ट्रांगनेस आई है ना, ये जिनवाणी के कारण आई है। मतलब आप समझो कि गुरु भगवान का योग नहीं है, गुरु भगवान की कोई हिट शिक्षा नहीं है, कोई पर्सनल केयर नहीं है, फिर भी इतना स्ट्रांग रखा। मतलब कितना क्या लेवल होगा शुद्ध ज्ञान को पाने के बाद, जो आत्मा खिलती है, जो आत्मा में सच्चा ज्ञान प्रकटता है, फिर क्या क्या चीज़ होती है। फिर तो जैसे ही प्रवचन चालू हुआ, एक एक चीज़ छूटती गई, ठंडा पानी छूटा, चप्पल गए, अभक्ष्य गया, उद्भट वेश गए, सब आउट, रात्रि भोजन बंद, धीरे 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 करके इस फील्ड में गई। फिर साहिब के प्रवचन में निम्ना दादा के ब्रह्मचर्य का सुना था, सिर्फ उसके लिए मैंने गिरनार की नवानु की है। दीक्षा के भाव अभी तक नहीं है, बट वो पवित्रता जीवन में चाहिए थी। कुछ भी हो जाए, ये पवित्रता तो चाहिए 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 ही चाहिए, भले दीक्षा के भाव हो ना हो। इसके लिए मैं गिरनार गई थी, मैंने नवानु इसी लक्ष्य के साथ, इसी प्रणिधान के साथ मैंने अपनी पूरी नवानु की है। दादा से मैंने हर नवानु में, हर मतलब नवानु के हर एक दिन मैंने एक ही चीज़ मांगी है। पर दादा की इतनी 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 असीम कृपा कि उन्होंने ब्रह्मचर्य तो दिया ही दिया, उसके साथ संयम के भाव भी दे दिए। मैं जब गिरना से आई तब माइंड में क्लियर हो चुका था कि अभी तुझे दीक्षा ही लेनी है। लेगी नहीं, लेकिन डगमग थी मैं कि भाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बट वहाँ से आई, वहाँ पे भी मैंने कुछ नियमों का पालन किया था, जैसे कि साधु भगवान के नियम होते हैं कि 15 दिन तक कपड़े नहीं बदलना, फिर 4 द्रव्य ही वापरना, आई कांटेक्ट नहीं करना भी जातियों के साथ, ऐसी जो चीज़ें थी, कुछ नियम जो साधु भगवान के ऑलरेडी, जिससे हमको पता चले कि वी आर कैपेबल और नॉट। उस बेस पे मैंने अपने आप को टेस्ट किया था नवानु के दिन। वहाँ पे जितने डेज मैंने नवानु की, टोटली मौन रहना, बोलो तो मुपत्ति के उपयोग के साथ बोलना, कोई भी चीज़ रखो तो प्रमाज के रखना, ऐसे के ऐसे नहीं रखने का, कोई भी छोटे हो बड़े हो उसको आप करके बुलाने का, ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट मैंने फील किया है बहुत मैटर करती है ये सब चीज़ें। अंदर जो संस्कार गिरते हैं ना, वो बहुत मैटर करते हैं। तो इन सबके पालन से मुझे एक दृढ़ता आ गई कि भाई अभी तू कर सकती है। फिर एक्चुअल फाइट चालू हुई। फिर मैंने मम्मी को बोला कि भाई मारा तो भाव है, मत दीक्षा इज लेनी है, कुछ भी सौवे तू। मम्मी शौक, मुझे आज भी वो दिन याद है, पापा मैसूर गए हुए थे किसी नेबर की शादी में, रात को 1 बजे मम्मी और भाई उठे हैं, एक दूसरे को गले लगे रो रहे। मैंने कभी ऐसी चीजें देखी नहीं है, वो रो रहे, मैं करूँ क्या। मतलब वो भी परमात्मा ने ताकत दी, वो भी घटना घटी और गई धीरे 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 धीरे। राग बहुत था, एक ही थी ना, और पापा ने छोटे से बहुत संभाल के रखा है। मतलब मुझे कभी अपने एरिया से बाहर भी नहीं भेजा है, मैंने स्कूलिंग भी अपने एरिया में ही की है। सिर्फ वो स्कूल मतलब सौकापेट में कोई कॉलेज नहीं थी, इसलिए मुझे GSS में डाला, लास्ट ऑप्शन था, वरना वो जो स्कूल थी, कई स्कूल थी पापा, कनिका परमेश्वरी, सच्ची में मतलब उनको है ना, ये चीज़ पेरेंट्स को सीखने जैसी है। आजकल के पेरेंट्स की मेंटालिटी ऐसी है कि सोरियो है, बांडे तो मिल लूँ, हिकी ला जाई ला तो आवी ला। बट पापा को ऐसे देखे ना, मेरे शिल की इतनी इतनी चिंता थी ना, कि जब वो मेरी बात आती थी ना, मेरे भाइयों पे भी विश्वास नहीं करते थे। मेरे मुझे लेकर उन्होंने कभी किसी पर विश्वास नहीं किया। इतनी बड़ी हो गई, कहीं पर भी अकेले नहीं। आज भी ऐसे सूरत में पूरी अकेली घूमती हूँ, सूरत जाती हूँ ना, पूरा माता मुझे अकेले ही भेजते हैं, सब अकेले जाके काम निपटा के आती हूँ। चेन्नई में पैर दिया ना, मैं आज तक मतलब 2 साल से मैं जब आ रही हूँ ना, मैं एक बार भी अपने एरिया के बाहर भी मतलब व्यापारी भी जाना हो तो मुझे अकेले नहीं भेजते। आज भी ऐसी कंडीशन है, मतलब जहाँ पे मेरी बात आती है उन्होंने मुझे इतना संभाल के रखा है ना। और आप ही सोचे, जब इतने संभाल के अपने बच्चों को रखे और वो सब कुछ छोड़ के एक नई सिटी में जाने का बात करे, वो भी अकेले, तो कैसे पॉसिबल होगा। मतलब उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे संभाला ही उतने। और आज मैं इतने प्राउड के साथ बोल रही हूँ ना, कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे घर पे, जैसे कि वेस्टर्न नहीं पहनना, स्ट्रिक्टली जो पहने रहा तो थप्पड़ ही मिले आपको, इतना स्ट्रिक्ट था पापा का कि नहीं पहनना तो नहीं ही पहना, जो मुझे गलती से रोड पे देख ले तो रोड पे 2 दे दे, इतना भयंकर था इनका। नो बॉयज कॉन्टैक्ट, सेकेंड रूल, मतलब कोई कॉन्टैक्ट्स मेरे थे ही नहीं, बरोबर, तो कोई गलत लाइन में जाने का सवाल ही नहीं था। फ्रेंड्स के साथ नाइट आउटिंग नहीं, मेरे टाइम पे जाते भी थे फ्रेंड्स, बट मुझे नहीं भेजा है। बहुत रोई हूँ कि ये क्या लगा रखा है, ये क्या लगा रखा है। बट आज फील होता है कि आज वो जो बंधन लगते थे ना, फ्रीडम चाहिए थी। उस टाइम मेरी मेंटालिटी ऐसी ही थी कि भाई फ्रीडम चाहिए, आप क्या ये लगा रखे हो, ये कौन रहता है घर पे, कौन रहेगा। बट आज लग रहा है कि आज वो संस्कार थे तो मैं आज यहाँ पे पहुँच पाई हो, वरना आज पक्का डेफिनेटली बोल रही हूँ, आज मैं भी किसी गलत मार्ग पे ही होती। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं भी उस जगह पे हो सकती थी,
अगर पापा ने ये संस्कार नहीं दिए होते, पापा ने ये रोक टोक नहीं की होती ना मुझ पे, तो आज मेरी हालत भी वो होती, हो सकती थी। क्योंकि निमित्त ही ऐसे है, माँ बाप नहीं बचाएंगे अपने बच्चे को तो बच्चे किसी भी हाथ में बचने वाले नहीं है, क्योंकि निमित्त इतने भयंकर चारों ओर से फैले हुए हैं। ये चीज वही, फिर मेरा प्रवचन बंद करवा दिया, मेरे पाठ बंद करवा दिए। मैं जिन प्रेमाल साहब के प्रवचन सुनती थी तो हेडसेट ले लेते थे। एक दिन बेस्ट फ्रेंड की सगाई थी तो उसकी सगाई में जाना हुआ, भाई ने बोला चप्पल पहन वरना आज का प्रतिक्रमण नहीं करने को मिलेगा, चप्पल पहन के जा वरना आज का प्रतिक्रमण नहीं करने को मिलेगा। मैंने तो कुछ जो करना है तो कर, मैं तो नहीं पहनूंगी तो नहीं पहनूंगी। आखिर बिना पहने गई, आई तब उसने मेरा कटाशना चरवला मुपत्ति छुपा दिया उसने। फिर मैंने अपने आप को एक रूम में पैक किया, जैसे भैया ने बोला ब्लैंकेट लिया मुपत्ति ली और फटाफट बैठ के प्रतिक्रमण करके बाहर, मतलब 40 मिनट से बाहर आ गई, ऐसा होता था। बहुत सारे एग्जाम्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारी हुई है। मेन चीज़ मुझे पढ़ाई के प्रति का बहुत था, क्योंकि पढ़ाई एक नींव थी जो मुझे टिकाए रखती थी, और वो जब नहीं मिलती थी ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसे हो जाता कि पढ़ाई मिल जाए। ये भी बहुत टाइम तक नहीं चला, धीरे धीरे जैसे टाइम गया ना, फिर मुझे पढ़ने की परमिशन मिली। रमिता बहन जो चेन्नई के हैं, उन्होंने खास मेरा गड़तड़ किया है। मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती थी, मेरे सूत्र अशुद्ध थे, 5 प्रतिक्रमण के सूत्र आते नहीं थे। इतना ही नहीं, ये सब शुद्ध करवाया, वितराग स्तोत्र करवाया, 4 प्रकरण 3 भाष्य 1 कर्मग्रंथ आदि बहुत कुछ सिखाया। 5 साल में मैं इतना रेडी हो चुकी थी। फिर और इस 5 साल में भी घर पे रहना कैसे, मुमुक्षु के जैसे ही रहना, मतलब कपड़े हैं तो 1 महीने तक वो कपड़े पहनने, वापरने का है तो मिठाई नहीं वापरने की, फ्रूट नहीं वापरने के, जो भी द्रव्य या फिर मिक्स करके वापरो या फिर अकेले वापरो, एक तरफ से ही वापरने का, फिर कोई भी किसी के साथ बोलने का नहीं। एक बार एक इंसिडेंट बना था, मेरे कजिन भाई की सगाई हुई थी तो भाई अहमदाबाद से फोटो आया कि भाभी का फोटो आया, देख तो ले। तो मैंने बोला मैं तो नहीं देखूंगी। पापा ने बोला ये क्या लगा रखा, क्यों नहीं देखना, देख फोटो। मैं तो नहीं देखूंगी, जिस कुएं में मैं नहीं गिर रही हूँ मेरा भाई गिर रहा है, फोटो देख के मैं उस चीज़ की अनुमोद ना करूँ, ये मेरे लिए कितना उचित है। मैंने इस चीज़ में ये हरगिज नहीं होगा। आखिर मैंने वो फोटो नहीं देखा था। ऐसे ऐसे करके उनको पक्का हो गया था कि भाई अब ये बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, कुछ भी हो जाए। एक बार टाइफाइड हो चुका था, उसमें ऐसा हुआ ना, पापा का चेंज, मतलब पापा तो बोलते थोड़े पिघले, तो इस घटना से पिघले थे, टाइफाइड हो चुका था। टाइफाइड में घी तेल नहीं वापरने का होता है, तो उस दिन सुबह के चावल आए थे तो वो चावल शाम को मैंने सहजता से पानी के साथ वापर दिए। चावल लिए, उसके अंदर पानी डाला और मैंने वापर लिए। मुझे नहीं पता कि ये मेरा खाना इतना असर करेगा, वरना पहले खा लेती मैं। तो वो चीज़ को देख के पापा रोने लगे कि ये क्या सत्व है, इसका तो जबरदस्त है, ये बहुत खतरनाक है। ये चीज़ हुई, मतलब पापा कहीं ना कहीं मन से मान ही चुके थे कि भाई बेटी को भेजना है, बट जितना रुके उतना अच्छा। फिर 5 साल के बाद हमारे घर पे दो मुमुक्षु आते थे, इनके बेटी महाराज दिव्या महात्मा और करीना महात्मा, हितकारी माई साहब, दोनों पढ़ने आते थे, संस्कृत पढ़ने आते थे। उन दोनों का भी महात्मा के पास जाने का टर्न आ गया। 10 तो चले ही गए ऑलरेडी, नहीं तब 5 गए हुए थे, 5 और बाकी थे। तो उसमें से ये दोनों घर पे पढ़ने आते थे, तो मैंने पापा को बोला पापा ये भी गए, ये तो अभी जुड़े पापा, ये भी गए तो मेरा क्या होगा। पापा को लगा कि बात तो सही है कि भाई सॉरी हम ही जुड़ी है ना, हम मतलब घर थी मेलीपन भी, तो मैं क्यों रोकूं इसको। तो मतलब उन दोनों के आलम्बन से एक घर पे लगा कि नहीं एक्चुअल में भेजने जैसा है। और पापा को मेन चीज़ क्या थी कि भेजना तो था बट ग्रुप की टेंशन जो नॉर्मली पेरेंट्स को होती है, तो कहीं ना कहीं डर लगता है कि भाई और अपना बच्चा है ना, ऐसे किसी ग्रुप में भेज नहीं सकते हम, तो थोड़ा ग्रुप का भी डर था। बट फिर पता चला कि भाई अपना ही ग्रुप है, अपने ही महात्मा है, तो टेंशन नहीं है। तो अपन बोल के तू जा पढ़ाई के लिए जा, पापा की परमिशन मिली। और इसमें मम्मी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है, पहले मम्मी भी ना बोलते थे, बट मैंने क्या किया, जैसे मैं प्रवचन से आती थी जो मैं सुन के आती थी ना, वो मम्मी को समझाती कि मम्मी देखो संसार की असारता कैसी है, जिस कुएं में आप गिर रहे हो, क्या आप चाहते हो कि आपकी बेटी भी उस कुएं में गिर जाए, आपके पास इतना सत्व नहीं कि अपनी बेटी को बचा पाओ। बरोबर है ना माँ, जिस आपको फॉर एग्जाम्पल पता चले कोई खाना बना है वो खा रहा है, तो क्या वो खाना अपने बेटे को दोगे, नहीं दोगे ना, क्योंकि खारा बना है। वैसे ही फिर मैंने मम्मी को समझाया, फिर मम्मी समझ गए और बहुत स्ट्रांग हो गए थे। फिर मम्मी ने फाइट भी किया कि भाई भेजो, तो मम्मी की बात मान के पापा ने भेजा। बट ये भाई बिल्कुल मतलब इतना ऑपोज में था कि कुछ भी हो जाए नहीं जाना है। लास्ट मतलब कल जाना है और आज रात तक तो ऐसा कि नहीं 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 कुछ भी हो जाए नहीं जाना है। फिर भी मैं तो पक्का कि भाई तुझको जो करना है तू कर, मुझे जाना ही है।
फिर सुबह बस अभी जाने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है, जैसे कि भैया ने बोल दिया आपको, रूम में आया, बहुत रोया कि तेरी लाइफ का सबसे बड़ा हर्डल मैं था, आज मैं हट रहा हूँ, जा जी ले अपनी जिंदगी। बट एक कंडीशन है, जिस सत्व के साथ तूने ये 5 साल निकाले है ना, वो ही सत्व अगर तेरा जीवन भर बना रहे तो तू जा। जैसे शेर बन के तू 5 साल जी है ना, वैसे ही वापस दाड़ना है कर्मों के सामने, लोगों के सामने नहीं। अगर इस कंडीशन को तू मानती है तो देखो परमिशन है मेरे ओर से, फिर तो किसी की क्या ताकत की मुझे रोक पाए। बस फिर गए, और स्पेशली जब कोई घर से जाता है ना महात्मा के पास, तो स्पेशल केयर देना उनको, जैसे कि मेरे भाई ने मुझे दी थी। मुझे बोला ट्रेन में, स्पेशली मैसेज किया उसने मुझे, तू जा रही है तो बिल्कुल चिंता मत करना, ये ग्रुप जो देखो नहीं फाया ना, नेक्स्ट 10 ग्रुप देखेंगे। हम क्या करते, एक ग्रुप में नहीं फाता तो लड़के लड़के को चांस देते कि तो वो सेकेंड ग्रुप में जाए। उसने बोला देखो ये ग्रुप सेट नहीं हुए, दूसरे गुरु देखेंगे, तू आ जाना वापस, देखो मैं वापस भेजूंगा। नॉर्मली क्या होता बता, एक बार लड़की आ जाए ना एक्सपीरियंस करके, उसको वापस भेजते नहीं है हम। जब शादी को सेकेंड चांस दिया जाता है, नॉर्मली जो बहन भाई है उनको क्यों सेकेंड चांस नहीं दिया जाता है। जब मैंने ये चीज़ सुनी ना, भाई का मैसेज, मैं इतनी निश्चिंत हो चुकी थी, वरना मुझे भी एक डर था कि मैं जा रही हूँ, मुझे सेट नहीं हुआ तो, गुरु भगवान नहीं सेट हुए तो मैं कैसे नेक्स्ट टाइम बोलूँगी। उस फोर्स से भी कई मुमुक्षु को जिस ग्रुप में नहीं रहना होता है उनको वहाँ पे दीक्षा जबरदस्ती लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो घर पे गए तो संसार में गिरना पड़ेगा, मम्मी पापा दूसरे ग्रुप में नहीं भेजेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, सपोर्ट करो, वो सही मार्ग में बढ़ रहा है। फिर महात्मा के पास जाना हुआ, गुरु फिक्स हो गए थे, वहाँ पे ट्रेनिंग चालू हुई। सुबह 4 बजे उठना, प्रतिकमन फिक्स, गाता 3, 8 सामायिक, 2 प्रतिकमन। धीरे 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 इन सब चीजों ज्ञान लिया, स्वाध्याय सुपर चलता था वहाँ पे। धीरे 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 1 साल निकला। नॉर्मली क्या होता है ना कि पेरेंट्स जब फर्स्ट टाइम भेजते हैं ना तो एक ड्यूरेशन के साथ भेजते हैं कि भाई 15 दिन वापिस आमनु है, 1 हफ्ता में वापिस आमनु है, अगर और मंजूर है तो तू जा। पापा ऐसे ना रोका तो 5 साल तक रोका, और जब भेजा तो 5 महीनों के लिए भेजा। फर्स्ट टाइम ही 5 महीनों के लिए मुझे छूट दे दी। इस 5 महीने में मुझे एक बार भी नहीं बोला कि बेटा तू घर पे आ जा। 4 महीने चातुर्मास के और 1 महीने खुद सामने से मुझे कल्याणक भूमि करवाई, 119 कल्याणक भूमि सामने से। जो पापा मुझे एरिया के बाहर नहीं बेचते थे, उन्होंने मुझे सारी की सारी कल्याणक भूमि सामने से बेच के करवाई। तो ऐसे मत समझना कि मम्मी पापा जिन्होंने अंतराय दी थी, बट मुझे आज इतना स्ट्रांग किया है ना कि आज कैसे भी निमित्त मिल जाए, कुछ भी हो जाए, बट ये भाव नहीं गिरेंगे, इतना स्ट्रांग किया है। नज़रिया होता है देखने का, सोचने का। महात्मा के पास रहना हुआ, भाव दृढ़ हुए, फिर बोला कि पापा दीक्षा लेनी है अभी। बट पापा का ऐसा था कि आप जा रहे हो, आप देख लो, रह लो, स्वभाव मैच हो जाए, बिकॉज मेन प्रॉब्लम स्वभाव की होती है। सब अच्छा तो लगता है, बट जो गुरु के साथ स्वभाव नहीं मिला, सहवर्तियों के साथ स्वभाव नहीं मिला, तो फुल लाइफ, थोड़ी लाइफ निकालनी डिफिकल्ट हो जाती है। तो पापा का ऐसा था कि भाई तू रह, तू देख, तू कर, सब कर, फिर हम आराम से दीक्षा देखो दूंगा ही, मैं ना नहीं बोलूंगा, बट थोड़ा टाइम जाने दे। मैंने बोला कि यार पापा वो 5 दीक्षा ले रहे, मैं रह जाऊँगी, मैं इतने टाइम से पुरुषार्थ कर रही हूँ। मैं तब भी फाइट की पापा से कि पापा बस दीक्षा दो आप मुझे, कुछ भी हो जाए दीक्षा दो। अब बोला नहीं, 1 साल निकला है, 1 साल और निकालना पड़ेगा, उससे फिर मैं देखूंगा कि क्या करना है करके। 2 साल निकले, फिर संयम की परमिशन मिली, फिर मुहूर्त निकला और 28 जैन को दीक्षा भी हो जाएगी। मेन साधना बाह्य निमित्त तो आते जाते हैं, वो उसमें भी कुछ कर नहीं सकते, बट अभ्यंतर साधना, ये जो 5 ईयर्स निकले ना, इसमें जो क्षमता का लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इतना सहन किया ना, तो सहन करने से वो जो क्षमता है, वो जो विनय है, उसका लेवल बढ़ गया। अभी कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी बोले, अभी वो कैपेसिटी की आप सुन पाओगे, आप बैक आंसर नहीं दोगे, मुझे इस घटना से ये चीज़ सीखने को मिली। उससे भी ज़्यादा जब खाने में लिमिटेशंस आती है, मोबाइल में भी मतलब सिर्फ धर्म रिलेटेड देखना, बाकी चीज़ों को नहीं खोलना, नहीं देखना, उससे आइस पे इतना कंट्रोल आ गया है ना कि रास्ते पे निकले ना, कोई गंदा पोस्टर भी तो हमारी नज़र नहीं जाती है, कोई टेस्टी चीज़ भी हमारे सामने आ जाए ना तो मन नहीं करता कि मुझे वापरना है। कोई फेवरेट ड्रेस भी सामने रख देना, अभी जितना रेडी होना पड़ रहा है ना, ऐसा लगता है कि प्रभु को वो उपसर्ग आए थे, हमको ये उपसर्ग आ रहे, बस फर्क इतना ही है। 7 ईयर्स में मेकअप को टच नहीं किया है, मेकअप तो छोड़ो पाउडर को भी टच नहीं किया है। आज आप सोचो कि मुमुक्षु पर थेपड़ा जा रहा है पाउडर का पाउडर सब, तो मुझे ये उपसर के अलावा कुछ लगता नहीं है। मतलब इतने स्ट्रांग हो गए ना, तो अब दीक्षा ले रहे तो मेरे को डर नहीं है कि भाई ये चीज़ नहीं मिली तो, खाना नहीं मिला तो, पानी नहीं मिला तो, गुरु नहीं बुलाए तो,
क्योंकि 5 साल किसी से बात ही नहीं की मैंने, तो बात करने की रुचि होती है वही चली गई है। इट्स ये जो 5 साल निकाले हैं ना, रूम और बुक्स और सदगुरु, सदगुरु शुद्ध ज्ञान और मेरा रूम, बस ये तीन, इस तीन चीज ने इतना स्ट्रांग किया है ना। आज शायद अभी दीक्षा मिल रही है, शायद थोड़े साल और भी निकलते ना तो भी मैं सेम पोजिशन में देव गुरु की कृपा से होती। मेन चीज क्या है ना, जितना जितना शुद्ध ज्ञान को लोगे समझोगे ना, उतने ही आप भी स्ट्रांग होते जाओगे। मुझे स्ट्रांग किया ज्ञान ने किया, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर विवेक को लाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। बिकॉज हर्डल्स तो कहीं पे भी आने हैं, संसार में भी आते ही है, कुछ भी नया काम करोगे तो हर्डल्स तो आने ही वाले, बट उस हर्डल्स में भी कैसे क्षमता के साथ रहना, कैसे मेंटल पीस के साथ रहना, ये चीज़ बहुत बड़ी होती है। वरना हम तो, हमारा तो क्या, छोटी छोटी बातों में मेंटल पीस चला जाता है। घर पे आए, चाय मांगी, चाय में शक्कर कम है, चाय ठंडी है, सीधा टेम्पर हाई। क्यों? इतने छोटे प्रसंग में हम क्षमता नहीं रख पाते, हम पेशेंस नहीं रख पाते, मेंटल पीस नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि हमने कभी साधना की ही नहीं, हमें कभी समझा ही नहीं है कि सहन करना भी साधना है, सिर्फ दीक्षा लेना साधना नहीं है, किसी के दो शब्दों को सुनना भी साधना है। आपको क्या लगता है 5 साल में मैंने कुछ सुना नहीं है? बहुत कुछ सुना है। देखो, मेरे भी अंतराय कर्म थे और थोड़ी अज्ञानता भी थी, तो बहुत कुछ बोला है, तो आज सुना है तो कल जाके सुनना पड़ेगा, किसी का भी, गुरु का भी, गुरु बहनों का भी, सहवर्ती का भी, तो सुन पाऊंगी मैं। तो जो होता है वो हमारे गुणों को बढ़ाने के लिए ही होता है। मुझे तो सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है, जो चीज़, जो रुकावट आती है वो हमारे हित के लिए ही है। साहब कहते हैं जो भी दुख आता है ना वो प्रभु का भेंट है, तो ये प्रभु की भेंट मुझे तो इतनी, मतलब ऐसी मिली है ना कि अब लगता है कि अभी लाइफ जिंगा लाला। भी कोई मुमुक्षु अपसेट होता है ना, उसको देख के लगता है कि भाई तू अपसेट क्यों है, तेरे अंदर मुमुक्षुपना आ चुका है, मुमुक्षुपने की इच्छा आ चुकी है, और चाहिए क्या? ये इच्छा ही इतनी स्ट्रांग है ना कि पूरी दुनिया से लड़ पाएगी। लोग होते हैं, लोग का काम है पॉजिटिव नेगेटिव बोलना, डरना क्यों, किसके लिए डरना है हमको? वी हैव टू फाइट। ये जन्म फाइट करने के लिए ही मिला है, लोगों से नहीं कर्मों से, तो करना ही पड़ेगा। बस एक ही चीज़ है, हार नहीं मानना है। हार मानेंगे तो ये जो अनमोल चीज़ है ना उसको खो लेंगे। ट्राई तो करना ही पड़ता है, बिजनेस में करते हो ना, एक बार लॉस होगा, दो बार होगा, ट्राई 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 करते ही हो ना। फिर इस चीज़ में क्यों ऐसा कि नहीं करना, एक बार हार मान के बैठ जाओगे कितना उचित है, अपने आत्मा के लिए कितना सही है। और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि अगर लड़का लड़की कोई भी एक बार जाने का बोले ना, उनको जाने दो। देखो दीक्षा है ना इतनी इजीली नहीं मिलती है, अगर भाग्य में होती है तो ही मिलती है, बट वो जाएगा ना, वो वहाँ का जो संस्कार लेकर आएगा या फिर लेकर आएगी ना, वो आपका भविष्य सुधार देगी। आज वो छोटी सी खुशी भी है, आज वो इतना सहन करती है, किस बेस पे सहन करती है, किस बेस पे सहन करती है? आज वहाँ के संस्कार ऐसे है, वो जो देखता है वही वो करता है। आज वहाँ पे महात्माओं की क्षमता को देखते तो वो चीज़ आती है। आजकल जितना भी व्यसन फैला है ना, वो किस कारण से फैला है? मेंटल पीस, लोगों को मेंटल पीस नहीं है, इसलिए ये सब हो रहा है, इसलिए ये सब बढ़ रहा है। मेंटल पीस है क्यों? नहीं है कोई सच्ची समझ देने वाला नहीं है, कोई सच्चा ज्ञान देने वाला नहीं है, कोई सच्चा मार्गदर्शन देने वाला नहीं है। जब उनको मिलेगा ना, सब सही रास्ते पे आ जाएंगे। किसी को भी गलत चीज़ें, दोष किसी को भी नहीं अच्छे लगते। ये पूरी जर्नी एक सदगुरु भगवान थे तो यहाँ तक पहुँच पाई, सही गाइडेंस था तो यहाँ तक पहुँच पाए। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे फैमिली में कोई दीक्षा नहीं हुई है, धर्म इतना नहीं था, उसका कारण ये था कि हमारे कोई फैमिली गुरु नहीं है, इसलिए मतलब इतनी देर लगी। सिर्फ इतना है ना कि एक फैमिली गुरु अपने जीवन में रखो, अपने सिर पे रखो, भले वो मैटर नहीं करता कि आप संसार में हो कि आप संयम में हो, वो चीज़ मैटर करती ही नहीं है। संसार में भी चांस, संयम से भी ज़्यादा संसार में चांसेस है कि आपकी गाड़ी रॉन्ग ट्रैक पे जा सकती है। तो अगर सदगुरु होगे जाओगे तो भी फिर से खींच के ला लेंगे, अगर सिर पे कोई नहीं होगा तो मरने के चांसेस, दुर्गति के चांसेस पूरे खुले ही है, कोई नहीं है बचाने वाला। सिर्फ इतना ही है कि एक सदगुरु को ऊपर रखो, जिसको पूछ के आपको, आप ऐसे मत सोचना कि सदगुरु है तो वो आपको रोकेंगे, आपको बंधन में बांध देंगे। मैं आपको बोलूं, 7 ईयर्स हो गए मेरे जो गीता गुरु भगवंत है, उन्होंने मुझे आज तक एक नियम नहीं दिया कि भाई तू ये कर, तू ये छोड़, तू एक नियम नहीं। मैं सामने से भी मांगू ना, संयम ले रहा और कितना बड़ा आपको नियम चाहिए, मुझे लिटरली वो ऐसे बोलते हैं। तो आप ऐसे मत डरो कि आप गुरु भगवान के पास जाओगे तो आपको नियम पकड़ा देंगे, कुछ गाता पकड़ा देंगे, नहीं, मतलब ये सब कोई उनका काम नहीं है। आपको करना है तो आप खुशी खुशी करो, नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना ही है कि गुरु को रखो, आज यहाँ तक पहुँचना उसके बेस में गुरु थे, गुरु की हित शिक्षा थी, गुरु का मार्गदर्शन था, वरना आज जो मैं भाग के चली गई, सपोज जाना नहीं था, सपोज मैं चली गई होती तो क्या आज इस दिन देखने को मिलता, क्या मैं आज यहाँ पे होती नहीं ना। मेरी तो भावना थी, क्योंकि वो जोश कैसा होता है ना कि संयम चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए मैं इसके लिए कुछ भी कर लूँगी, इतनी तीव्र इच्छा होती है। जैसे कि
किसी के साथ कमिटमेंट हो जाए तो भाई वो पागल हो जाता है, उससे कोई दिखता नहीं है पीछे की मम्मी का क्या होगा, पापा का क्या होगा, फैमिली के नाम का क्या होगा, गुडविल का क्या होगा, कुछ नहीं, उसे सिर्फ क्या दिखता है वो कमिटमेंट वाला बस। वैसे ही मतलब हमको संयम से हो गया था मतलब, बट गुरु थे इसलिए हम कभी गलत ट्रैक में नहीं गए, गलत वे से हमने नहीं लिया, बस यही चीज़ है। जैसे जैसे मेरी गाड़ी सही ट्रैक पर चली है, आज इतने को प्रॉफिट कर रही है, वैसे आपसे रिक्वेस्ट है कि बस एक सद्गुरु को अपने ऊपर रखो और शुद्ध ज्ञान इसको पकड़ के रखो, कुछ भी हो जाए अपने लेवल का पढ़ो, अपने रुचि का पढ़ो, बस इसको मत छोड़ना, बस इतनी ही रिक्वेस्ट है। 28 जनवरी सूरत वेसु महाविदय धाम, जिस उल्लास के साथ जिस वीर्य के साथ अब तक मैं आगे बढ़ी हूँ, बस आशीष देना कि यही उल्लास यही वीर्य मेरे अंतिम श्वास तक बना रहे। जैसे मैंने 5 ईयर्स की एग्ज़ाम्स जितनी भी मेरी हुई मैं सब में पास हुई हूँ, वैसे ही अभी जो एग्ज़ाम्स होगी वो होगी कर्म सत्ता की, बस उसमें भी ए ग्रेड के साथ पास हो ऐसी आशीष देना। जिस कंडीशन के साथ मेरे भाई ने मेरे को परमिशन दी है वो कंडीशन मैं पूरी करूँ ऐसे भी आशीष देना। मुझे निरंतर की दे जो रूढ़ा आशीर्वाद।